हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी रेसिपी है अंकुरित मूंग की चाट, जो हेल्दी होने के साथ साथ बहुत डिलीशियस भी है। तो चलिए चाट बनाना शुरू करते हैं। चाट बनाने के लिए आपको सबसे पहले जानना होगा कि मूंग को अंकुरित कैसे करते हैं। तो अंकुरित करने की रेसिपी ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगी। और यहाँ हम आपको बता दें कि सर से लेके पैर तक ये बेनिफिट देती है आपको, चाहे वो आपकी स्किन हो, बाल हो, हेल्थ हो, या आपको पतला होना हो, या आपका डाइजेशन ठीक करना हो, सभी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। इसमें फाइबर, विटामिन्स और मिनरल्स कूट कूट कर भरे होते हैं। सेहत से भरपूर स्प्राउट्स की चाट बनाने के लिए हम यहाँ पर एक कटोरी स्प्राउट्स ले लेते हैं, जिन्हें हम गर्म पानी में डालेंगे। यहाँ मैंने थोड़ा गर्म पानी किया है, उसमें मैंने डाल दिया है 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। नेक्स्ट हम डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक। अब इनके बाद यहाँ पर हम डालेंगे अंकुरित मूंग एक कटोरी, और इसको हमें सिर्फ 3 से 4 मिनट ही बॉईल करना है, इसलिए आप इसे गर्म पानी में ही डालें। जब तक ये बॉईल होती है हम दूसरे इंग्रेडिएंट्स पर नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1/2 बॉईल पोटैटो ले लिया है, 1 अनियन को फाइन चॉप कर लिया है, थोड़ा सा टमाटो है, थोड़ी सी रेड वाली कैप्सिकम है, और थोड़ा हरा धनिया है, यहाँ पर खीरा है, हरा प्याज और हरी मिर्च है। हमने यहाँ पर 1/2 नींबू लिया है, और हमारे स्प्राउट्स भी ये बॉईल हो गए हैं। वैसे तो आप जो चाहें अपनी पसंद से इसमें सब्ज़ी डाल सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन है कि इसमें आप खीरा और बॉइल्ड पोटैटो ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और मज़े की बात तो ये है कि ये बिल्कुल ऑयल फ्री है, इसमें 1 ड्रॉप ऑयल तक नहीं डाला है। अब आगे प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। बस जो आपने अपने वेजिटेबल्स को चॉप किया है अपनी पसंद से, आप उन वेजिटेबल्स को इसमें डालिए और एक नाइस मिक्स दीजिए। तो देखिए, यहाँ हमने वेजिटेबल्स तो डाल दी हैं, अब हम यहाँ पर कुछ अपने मसाले डालेंगे इसको और टेस्टी बनाने के लिए। जैसे कि हम यहाँ पर डालने वाले हैं 1/2 टीस्पून चाट मसाला। नेक्स्ट हम यहाँ पर डालेंगे 1/2 टीस्पून भुना ज़ीरा पाउडर, और उसके बाद हम इसमें अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट नमक डालेंगे। मैंने यहाँ पर ब्लैक सॉल्ट यूज़ किया है, आप नॉर्मल सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स करें, और अब हम इसमें डालेंगे खूब सारा लेमन। आ जा रहा, मुझे बहुत तंग कर रही है रिकॉर्डिंग करने में, आपको बराबर बैकग्राउंड में उसकी आवाज़ आ रही होगी। तो चलिए वापस से आते हैं अपने स्प्राउट्स की तरफ। यहाँ देखिए, हमने इसे लेमन जूस के बाद अच्छे से मिक्स कर दिया है, और हमारी चाट बिल्कुल रेडी हो गई है। तो आप लोग इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिए। और मैंने ऊपर कटलेट्स की रेसिपी भी डाली है आई बटन में, जो हमने पिछले दिनों बनाई थी, वो भी बहुत ही डिलीशियस बनी थी। तो इसे बनाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इस वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करिए। और जैसे कि आप जानते हैं, आज संडे, संडे मीन्स फन डे। तो आज खुशी हार्ट्स फन टाइम में आज जो क्वेश्चन है वो स्पेशली ना पिज़्ज़ा लवर्स के लिए है, क्योंकि मैं पूछना चाहती हूँ कि पिज़्ज़ा किस कंट्री से बिलोंग करता है। आप कितना जानते हैं पिज़्ज़ा के बारे में, मुझे बताइए। यहाँ मैंने कुछ ऑप्शंस दिए हैं, जैसे कि अमेरिका, इंडिया, इटली या चाइना। आप बताइए कि पिज़्ज़ा किस कंट्री से बिलोंग करता है। अपने आंसर्स आप लिखिए कमेंट बॉक्स में, और ये दोनों वीडियो देखना बिल्कुल नहीं भूलिए। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।